हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ रेप करने वाले चारों आरोपियों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। रेप आरोपियों के इस तरह हुए एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने मानवाधिकार पर एक बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया है और मानवाधिकार आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का कदम बिल्कुल सही है। मानवाधिकार के नाम पर कभी आतंकी तो कभी देशद्रोही और ऐसे जघन्य अपराधी को बचाया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या ये मानवाधिकार अपराधियों के प्रति ही जागता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है उन्हें एक्ट के तहत इसका अधिकार है। वहीं दूसरी ओर रेप विक्टिम के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता योगिता ने हैदराबाद पुलिस के एक्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम रोजाना इस तरह के रेप विक्टिम से मुलाकात करते हैं, आज जरूरत है कि इस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए। वहीं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह ने भी पुलिस एनकाउंटर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रेप के मामलों में सख्त से सख्त नजीर पेश करने की जरूरत है। रेप के आरोपी को 15 दिन के अंदर फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इन लोगों को जमानत मिल जाती है, वकील मिल जाते हैं, फिर ये वैसा ही काम करते हैं। बरखा सिंह ने कहा कि मानवाधिकार वाले जो बातें कर रहे हैं उनसे पूछिए कि उनकी बेटी चली गई उन पर क्या बीतता है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कहीं पुलिस ने पब्लिक के दबाव की वजह से तो एनकाउंटर नहीं किया। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि कानून के रखवालों को ही कानून हाथ में लेना पड़ा। हो सकता है कि चारों आरोपियों ने वाकई में भागने की कोशिश की हो, लेकिन एक साथ चारों आरोपियों को मार देना एक्सट्रीम कंडीशन है। इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर आरोपियों को कानून की प्रक्रिया के तहत सजा मिलती है तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसे दोषियों का अंजाम यही होना चाहिए था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत होता तो एक और अच्छा संदेश जाता।